हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारेयानू। थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है अज की क्लास। अज आप पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6वीं क्लास की पंजाबी की किताब दूजी भाषा ते उहदे विच उहदा 7वां पाठ गुरु रविदास जी बारे हैगा। पहला आप इस पाठ के सार बारे चर्चा करेंगे, फिर डिटेल में पाठ नू पढ़ांगे ते फिर अभ्यास बारे चर्चा करांगे। तो चलो शुरू करते हैं सार दे नाल। श्री गुरु रविदास जी भारत के एक महान अते सिरकड संत होए हन। आपका जीवन बड़ा गौरवमयी ते विलक्षण सी। आपकी बाणी विच पेश कीता गया उच्चा ते सुच्चा उपदेश सदियां तो लोकां लई रूहानी चानण मुनारे दा काम कर रहा है। इसे करके ओ महान बाणीकार अते उत्त चोटी दे समाज सुधारक मन्ने जांदे हन। श्री गुरु रविदास जी दा जन्म सन 1450 ईस्वी दे विच माग दी पूरनमाशी दिन एतवार नू होया। आप दे पिता दा नाम रघु अते माता दा नाम करमा देवी सी। फिर इस पाठ दे विच दस्या गया है वी गुरु रविदास जी दे समय भारती समाज जात पात अते पखंडा दे हनेरे विच किरिया होया सी। आपने अपनी बाणी अते नेक कर्मा राही लोकां नू वहमा परमा विचो कढ़न दा यतन कीता। आपने अपनी बाणी राही लोकां नूं सच बोलन, नेकी करन, दूजियां दी सहायता करन अते प्रभु सिमरन दे नाल नाल हथी काम करन दी सिख्या भी दित्ती। आपने उपदेश दित्ता कि माया, मोह, हंकार अते ईर्खा आदि विकारां ने बंदे दे आत्मिक गुणां नूं लुट लिया है। आपने उच्ची कुल दे होण ज्ञानी जां दाते होण दे विचारां दा खंडन करके सुनेहा दित्ता कि परमात्मा दीआं नज़रां विच सब बराबर हन। आपने अपने आप नूं प्रभु प्यारा कह के पेखिआं नूं चुप कराया। आपने कहा, कह रविदास जो जपे नाम तिस जाते ना जन्मू ना जूनी काम। गुरु रविदास जी हिसत विच रह के सारे घरेलू ते कारोबारी काम करदे हुए प्रभु दी भजन बंदगी विच लीन रहंदे सन। कहंदे हन कि आप दा इको एक पुत्र विजयदास सी। किते वजो गुरु जी जुत्तियां गंढन, चमड़ा रंगण अते चमड़ा वेचण दा काम करदे सन, पर आपदा असल किता सत्संग विच रहना ते प्रभु भक्ति विच लीन रहना ही सी। गुरु रविदास जी भक्ति भावना शुद्ध प्रेम ते आधारित सी। ओ आपा ना या अपने आप नु भुला के अपनिया सारिया बिरतियां प्रभु चरणा विच एकागर कर लेंदे सन। उस समय दे धार्मिक आगुआ ने जात मात जात पात ते ऊच नीच नू कुदरत दा बनाया नेम कहा सी, पर गुरु जी ता कुदरत दे सारे जीवां नू परमात्मा दे पैदा कीते होए मानदे सन। गुरु जी नू इस भेदभाव नू खत्म करन लई तकड़े विरोध दा सामना भी करना पिया। उहनां दीआं दलीलां अगे पखंडियां दी कोई पेश नहीं सी जांदी। प्रभ चरणा नाल जुड़े हुए आप बारी कर्म कांडा तो हमेशा निर्लेप रहंदे सन। श्री गुरु अर्जन देव जी ने गुरु रविदास जी दी बाणी नू श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच विशेष स्थान दिता। इस तरह गुरु अर्जन देव जी ने अपने जीवन आदर्श मानस की जात सबे एके पहचान नू पूरा कीता। गुरु जी ने मर्द औरत दे भेदभाव नू भी स्वीकार ना कीता। राणी झांसी, मीराबाई, राजा पीपान अते होर कई ऊच कुल दे लोकां ने गुरु रविदास जी पासू सिख्या प्राप्त कीती। आप 151 वरे दी उमर पोके 1584 बिक्रमी विच परलोक सिधार गए। गुरु रविदास जी दे श्रद्धालुआ ने पिंडा अते शहरां विच अनेका थावां उते गुरु जी दे नां उते गुरुद्वारे ते मंदिर बनाए हन। गुरु जी दा जन्म दिवस हर साल बड़ी धूमधाम नाल मनाया जांदा है। ए सीगा पाठ दा सार। हुण आपां चर्चा करदे हां, इस पाठ नूं पढ़दे हां ते उस तों बाद इहनूं समझदे हैगे हां। तां चलो शुरू करदे हां इस नूं पढ़ना। इत्थे दस्या गया है,
श्री गुरु रविदास जी भारत के महान संतां विचों होए हन। आप जी का जीवन बड़ा गौरवमयी ते विलक्षण सी। गौरवमयी कहने का मतलब माण करन योग ते विलक्षण का मतलब वक्री किस्म का, या तुसी ये कह सकते हो विशेष किस्म का सी। ठीक है, गुरु रविदास जी ने अपनी बाणी विच मानवता का संदेश दिता। हुण इत्थे मानवता का मतलब ए हुंदा है मनुखता का संदेश दिता है। इसे कारण आप समुचे भारत विच एक बाणीकार अते समाज सुधारक वजो सतिकारे जांदे हन। हुण बाणीकार दा मतलब हुंदा है बाणी लिखण वाला। ठीक है, उन्हां नूं समाज सुधारक वजो भी जाणिया जांदा है। श्री गुरु रविदास जी दे जन्म बारे कई मत प्रचलित हन। उन्हां दा जन्म उत्तर प्रदेश दे बनारस शहर विच गोवर्धनपुर विखे 1450 ईस्वी दे नेड़े तेड़े माघ महीने दी पूरनमाशी वाले दिन होया मन्या जांदा है। ओना दे माता जी दा नाम कलसा देवी अते पिता जी दा नाम संतोख दास, या आप कह सकते हैं रघु सी। गुरु रविदास जी दे समय भारती समाज जात पात दे भेदां अते पखंडां दे हनेरे विच डुबिया होया सी। यानी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जात पात की जड़ी प्रॉब्लम सी वो समाज दे विच चल रही सी। आगे आपने अपनी बाणी राही लोकां नूं वहमा परमा विचों बाहर कढ़न दा यतन कीता, कोशिश कीती। गुरु रविदास जी ने सच बोलन, नेकी करन, दूजियां दी सहायता करन, प्रभु सिमरन अते हथी काम करन दी सिख्या दिती। गुरु रविदास जी ने उपदेश दिता कि माया मोह हंकार अते ईर्खा वर्गे विकारा ने बंदे दे आत्मिक गुणा नूं पलीत कीता होया है। कई बंदे उच्चे कुल नाल संबंधित होण दा हंकार करदे हन। कई विद्वान अते दानी होण दा अभिमान करदे हन, गर्व करदे हन। आपने इन्हां विचारां दा खंडन कीता, इन्हां नूं कहा वी इह गलत विचार है कि ने सारे बिल्कुल बराबर हुंदे ने इंसान जेड़े ने। आपने अपनी बाणी राही सुनेहा दिता कि परमात्मा दियां नजरां विच सब बराबर हन, कोई उच्ची नीवी जाता नहीं। आप अपने आप नूं प्रभु प्यारा कह के पेखिया नूं चुप करवा दिंदे सन। आपने कहा, कहे रविदास जो जपे नाम तिस जात ना ना जन्मु ना जोनी काम। गुरु रविदास ने सफल परिवारिक जीवन बतीत कीता। आप गृहस्थ विच रह के घरेलू ते कारोबारी कारज करते रहे। आप भजन बंदगी विच लीन रहंदे सन। किते वजो यानी काम करन वजो आप जी जुतिया गंडन, चमड़ा रंगन ते वेचन दा काम करदे सन, पर आप जी दा असली जीवन मनोरथ प्रभु भक्ति विच लीन रहना सी। आप जी दी भक्ति भावना शुद्ध प्रेम ते आधारित सी। उस समय दे धार्मिक आगुआ ने समाज विच वंडियां पाईयां होईयां सन, पर गुरु रविदास जी कुदरत दे ते सब जीव जंतु परमात्मा दा पैदा कीता मानदे सन। इन्हां विचारां लई आपनू तकड़ा विरोध सहना पिया ते आपनू उस समय दे धार्मिक आगुआ दा मुकाबला भी करना पिया। ओना दियां दलीलां अगे भुलेखा पाउन वाले पखंडियां दी कोई पेश नहीं सी जांदी। आप समाज विच फैले करम कांडां तो निर्लेप रहंदे ते प्रभु चरणा विच बिरती लाई रखदे। गुरु रविदास जी दी पवित्र बाणी दी उच्चता नूं सतिकार देंदे होए श्री गुरु अर्जन देव जी ने आप दी बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच विशेष स्थान दिता। आप दे 40 पदे दर्ज करके मानस की जाति सबै एको परछानबो दे कथन नूं पूरा कीता ते आप जी दी नाम भगती दी महिमा भी कीती। गुरु रविदास जी ने मर्द अते औरत दे भेदभाव नूं छड के सपना नूं सांझा उपदेश दिता। रानी झांसी, मीराबाई, राजा पीपा ते कई होर उच्च कुल दे लोकां ने आप जी पासों सिख्या ली। प्रभु भक्ति अते किरत करन दी महत्ता दे गुणा कारण आप जी नूं अपने समय दे वड्डे समाज सुधारक मन्या जांदा है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਅਤੇ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ 1520 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ ਲੀਨ। ਲੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਪਹਿਲਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਤਿਕਾਰ, ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ? ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੰਕਾਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਧਨਾ ਵਿੱਚ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੀ ਹਨ? ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ? ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਗੋਵਰਧਨ ਵਿਖੇ 1450 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮਾਘ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1450 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1450 ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਤੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦੇ ਦਰਜ ਹਨ? ਉੱਤਰ, 40 ਪਦੇ। ਅੱਗੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਲਈ? ਉੱਤਰ, ਰਾਣੀ ਚਾਂਸੀ, ਮੀਰਾਬਾਈ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉੱਚ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ। ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਦਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ, ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਲਸਾ ਦੇਵੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਕਲਸਾ ਦੇਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ, ਵਾਕ
बनाओ जिमें सब तो पहला मानवता मतलब मनुखता गुरु साहेबा दा उपदेश सारी मानवता लई सांझा है। दूजा पेखी मतलब पेख तारन वाला या पखंडी गुरबाणी विच गुरु साहेबा ने पेखियां ते पखंडियां दा डट के विरोध कीता है। अगला बाणी गुरु साहेबा दी कावी रचना श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु साहेबा तो बिना बहुत सारे संता भक्ता ते पट्टा दी बाणी दर्ज है। चौथा निर्लेप मतलब प्रभाव तो मुक्त गुरु साहेबा दी बाणी मनुख नु माया तो निर्लेप रहन दा उपदेश दिंदी है। पंजवा परमात्मा रब परमात्मा सर्वव्यापक है समाज सुधारक समाज का सुधार करने वाले ईश्वर चंद्र नंदा ने पंजाबी विच समाज सुधारक नाटक लिखे। सत्वा कर्म कांड मतलब दिखावे दे धार्मिक कर्म व्रत रखने तूफान दुखावना आदि कर्म कांड हैं। ठीक है मतलब पखंड करने सब कर्म कांड है गे ने धार्मिक ना ते जड़े किते जाते ने दिखावे। ते असी अज दी क्लास में उम्मीद कर रही हां थानू सारे नु ए पाठ ते दे प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। जे थानू वीडियो वधिया लगी तां चैनल नु लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलियो। आपां फिर मिलांगे। चल देन टेक केयर बाय बाय।